हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी के सभी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय नगी यूके 11। दोस्तों, आज विद्यालय की छुट्टी है और अभी मैं अपने घर में ही हूँ। दोस्तों, एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ी समस्या आजकल पहाड़ों में है, वो है वनाग्नि की। जंगलों में आग, कुछ लोग स्वार्थ के लिए, अपने लोभ लालच के लिए जंगलों में आग लगा रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका सवाल बहुत ज़्यादा कई लोग उठा भी रहे हैं। तो अब दिखाता हूँ आपको क्या स्थिति है। आज तो एक तो गर्मी भी बढ़ रही है, अब मई का मंथ स्टार्ट हो ही गया है, आज 3 तारीख है। और गर्मी के साथ साथ जो धुंध है चारों तरफ वो भी बढ़ रही है और गर्मी अब ज़्यादा होने लगी है। अब आप देखिए, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हो, आपको क्लियरिटी कुछ नहीं दिख रही होगी, एकदम सफ़ेद धुंध। ये धुआं है, ये वनों की अग्नि का धुआं है, ये हमारे प्राकृतिक धरोहर का क्षरण किया जा रहा है, वन संपदा का क्षरण किया जा रहा है। और सोचो कितने जीव जंतु, पक्षी और वनस्पति जो बेशकीमती है उनका नाश हो रहा है। तो मनुष्य आज जो ये कर रहा है वो आगे जाकर उसका ही नाश का कारण बन सकता है, तो इस पर एक्शन ज़रूर लिया जाना चाहिए। कि ये ठीक सामने पहाड़ी पर आप देखें किस तरीके से वहाँ आगे जो जंगल आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे आपको धुआं दिख रहा है, उधर ये पूरे कल से ये आग लगी हुई है यहाँ पर। और आजकल इस तरीके की समस्या है कि ये जगह जगह ये आग फैली हुई है, लेकिन क्या इसके जो है कोई संज्ञान लिया गया वन विभाग के द्वारा या जो है अधिकारियों के द्वारा, संबंधित अधिकारियों के द्वारा? ये एक समस्या है। इधर आप देखिए, चारों और जहाँ आपकी नज़र जाएगी ये धुंध ही धुंध, मतलब ये धुआं आपको देखने को मिल रहा होगा। इधर की पहाड़ियों पर भी आप इसको देख सकते हैं, सामने की पहाड़ियों पर, उधर भी जो है कोहरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। चारों ओर आप देखिए कि आपको यही देखने को मिल रहा है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो ऊपर जंगलों में और सामने आप देख सकते हैं। तो ये आज सुबह से, जिसे कहते हैं कि सामने विजिबिलिटी की दिक्कत और गर्मी का प्रकोप और ऊपर से वनों में इस तरीके की आग, तो ये जगह जगह आज कर्णप्रयाग में भी मैंने कल देखा था, वहाँ पर भी वन धधक रहे हैं, इधर भी वन धधक रहे हैं। और अपने कुछ स्वार्थ के कारण जंगलों में आग लगाना ये कहाँ तक सही है और क्यों हर साल ये होता है और इससे कितना नुकसान होता है हमारी वन संपदा को, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में। तो ये देखो, मनुष्य की ही गलती है। अब कौन लोग हैं ये जो इस तरीके का हर बार हो जाता है? ये आप देखिए, बहुत ज़्यादा कोहरा ही कोहरा। गाइज, अभी इवनिंग का समय है और सामने जंगल में आग लग गई है। दिन में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन वहाँ पर उस तरीके से दिख ही नहीं हो, हल्की धूप भी रही, लेकिन अभी देखो ये किसी ने वनाग्नि वहाँ पर पूरे ऊपर तक लगा दी है। ये गलत है। जो कोई भी इस तरीके की हरकत कर रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारे जंगलों को, वन संपदा को नष्ट मत करो, बहुत सारे जीव जंतु इसमें नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आप इसको देखिए, ये कर्णप्रयाग का ही इलाका है और ऊपर जंगल में किस तरीके से आग लग गई है। आप देखिए, पूरे जंगल में आग किस तरीके से धधक रही है, आप देख सकते हैं। अभी मैं कर्णप्रयाग से वापसी में आ रहा था तो ये चीज़ मैंने आज दिन में भी आपको दिखाया कि किस तरह से हमारे घर के सामने वाले इलाके में, और यहाँ देखिए ये किस तरीके से तेज़ी से आग अब पकड़ गई है। वहाँ पर शासन प्रशासन कहाँ सोया है, कहाँ वन विभाग सोया है, ये तो भगवान भरोसे है। लेकिन आप देखिए कि कैसे ये गर्मियों में हर साल ये इस तरीके की ये चीज़ें हो जाती है। तो इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है भाई, इस तरीके की हरकतें मत करो। कौन लोग ये इसको थोड़ा सा लगा देते हैं, फिर ये पूरे जंगलों में आज आग लगी हुई है, पूरे उत्तराखंड में ये स्थिति है। जो जंगल है, जो वन संपदा है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो रही है।
तो यार संबंधित अधिकारियों को इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए, शासन प्रशासन को, किस तरीके से जंगल धधक रहा है।